हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ छोले की रेसिपी, जो भटूरे के साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और इसे बनाना भी बहुत ही ज़्यादा इजी है और ये बहुत ही जल्दी बनकर रेडी भी हो जाती है। तो ये रेसिपी को बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो छोले बनाने के लिए सबसे पहले हम काबली चने को कुकर में बॉईल करेंगे। तो उसके लिए कुकर में ये काबली चना डाल देंगे। मैंने यहाँ पे 2 कप काबली चना लिया है और इसे मैंने रात भर पानी में भिंगो कर रखा था। सारा काबली चना इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। अब हम इसमें हल्दी भी डाल देंगे, 1/2 टेबल स्पून। अब इसमें पानी डाल देंगे, 2 ग्लास लगभग। आप अपने अनुसार पानी डाल सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ स्पेसिफिक मेजरमेंट नहीं है। अब इसे हम कवर कर देंगे और इसे पका लेंगे 2 से 3 सीटी आने तक मीडियम फ्लेम पे। जब तक ये बॉईल होता है तब तक हम इसके लिए ग्रेवी बना लेंगे। तो गैस ऑन करके कढ़ाई को गर्म कर लेंगे और इसमें 6 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल ऐड करेंगे और फिर इसे गर्म होने देंगे। ऑयल के गर्म होते ही हम इसमें ऐड करेंगे पहले 2 लौंग, जावित्री, बड़ी इलायची, दालचीनी और अब एक तेज पत्ता। अब इसमें ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून जीरा और फिर इन सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फ्राई करेंगे कुछ सेकेंड के लिए। तो अब हम गैस की फ्लेम एकदम लो कर देंगे और इसमें कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे। पहले इसमें हल्दी डाल देंगे, अब 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर और फिर इन दोनों को तेल में अच्छे से फ्राई कर लेंगे कुछ सेकेंड के लिए ही। अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज के पेस्ट। यहाँ पे मैंने 2 प्याज का पेस्ट लिया है और अब इसे इन मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये प्याज को इसी तरह से चलाते हुए इसका कलर चेंज होने तक फ्राई कर लेंगे 2 मिनट तक। और जब ये प्याज का कलर हल्का सा चेंज हो जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, अब 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन और हरी मिर्च की पेस्ट और फिर इन सब को अच्छे से मिक्स करके फ्राई कर लेंगे कुछ 1 मिनट के लिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज टमाटर के पेस्ट। आप चाहे तो टमाटर को बारीक काट कर भी इसमें डाल सकते हैं। अब इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। मैंने छोले को बॉईल करते टाइम भी नमक डाला था तो उसी के अनुसार यहाँ पे नमक डालना है। तो अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और थोड़ा फ्राई कर लेते हैं 2 मिनट तक। तो अब आप देख सकते हैं ये मसाले अच्छे से फ्राई हो चुकी है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे ये छोले जो 4 सीटी में अच्छे से बॉईल होकर पक गई है। हम इसे पानी के साथ ही डाल देंगे, पानी को फेंकेंगे नहीं, इसी में डाल देंगे।
अब हम इसमें पानी डालेंगे लगभग 1 गिलास। आप अपने अनुसार पानी ले सकते हैं, कम या ज़्यादा। आपको जितनी ग्रेवी की थिकनेस पसंद है आप उतना ही पानी ले लीजिए। और इसमें अब ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर भी, और फिर इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और अब इसे कवर करके पकाएंगे 5 से 10 मिनट के लिए एकदम लो फ्लेम पे। तो अब 6 मिनट हो गई है और आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें अच्छे से पक गई हैं। इसे मिक्स कर लेते हैं। तो ये हमारा छोला बनकर बिल्कुल रेडी हो गई है। तो अब हम गैस ऑफ कर लेते हैं। तो अब ये रेडी है सर्व करने के लिए। आप इसे बटोरों के साथ सर्व कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये रेसिपी अच्छा लगा हो तो अपने घर पर जरूर ट्राई कीजिए और अपना एक्सपीरियंस मुझसे शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए थैंक फॉर वॉचिंग। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पे। टेक केयर, बाय बाय।